भूरभुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवश धीमह धो न प्रचोदया तो शांति 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 नमस्ते दोस्तों आज मैं आपको छांदो छो के उपनिषद से एक और कहानी सुना रहा हूँ वैश्नावर की खोज में तो सुनिए ये बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है बहुत पुरानी बात है इसी हमारे देश में पांच बहुत बड़े कुलपति रहते थे कुलपति उन्हें कहते हैं जो हजारों विद्यार्थियों के भोजन वस्त्र का स्वयं प्रबंध रखते थे और उन्हें पढ़ा लिखा कर पच्चीस वर्ष की उम्र तक सभी शास्त्र में पंडित बना देते थे आजकल की तरह ने तो छात्रों से पढ़ाई की फीस ली जाती थी और न भोजन आदि का कोई खर्चा रहता था बड़े बड़े राजा महाराजा उन कुलपतियों की हर एक तरह से सहायता तो करते ही थे दूर दूर देहात तक में गृहस्थों के घर से उन विद्यार्थियों के लिए भोजन मिलता था एक एक कुलपति के पास दस दस हजार विद्यार्थी रहते थे जिन पांचों कुलपतियों की कथा हम बता रहे हैं वे अपने समय के महान कुलपति थे उनका दूसरा नाम महाशाल था जिसका अर्थ होता है असंख्य विद्यार्थियों वाली पाठशाला के कुलपति उन पांचों कुलपतियों का नाम इस प्रकार था उपमन्यु के पुत्र प्रातिनशाल के पुत्र सत्ययज्ञ भल्लभ के पुत्र इंद्रदुमन सरक राक्षस के पुत्र जन और असवत्रक्स के पुत्र बुडिल ये सब वेदों के बहुत बड़े पंडितों थे ही साथ ही बहुत बड़े गृहस्थ और गांव के स्वामी भी थे जब कभी कोई त्यौहार या पर्व पड़ता तब ये पांचों कुलपति एक जगह पर एकत्रित होते थे और उन उन विषयों पर विचार चर्चा करते थे जिन पर किसी को कुछ संदेह रहता था या जनता में जिसकी बहुत बड़ी जरूरत होती थी इसी प्रसंग में एक बार ये पांचों कुलपति इकट्ठे हुए थे और शास्त्रों की चर्चा चल रही थी कि एक सत्तर साल का बूढ़ा ग्रस्त जो देखने में वैश्य मालूम पड़ता था उनकी सभा में आया और आदर सहित हाथ जोड़कर बोला पंडितों मेरे मन से आत्मा क्या है और ब्रह्म क्या है इस बात को लेकर बहुत बड़ा संदेह फैला है शास्त्रों की पुस्तकों में बहुत कुछ लिखा गया है मगर उससे वास्तविक संतोष नहीं होता और ने भी सारी की सारी बातें मेरी समझ में ही आती हैं आप सब हमारे देश के विख्यात पंडित यहाँ इकट्ठे हुए हैं ऐसा संयोग फिर कभी नहीं मिलेगा यही सोचकर मैं आया हुआ हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि एक अबोध बच्चे की भांति मुझे सब तरह से अयोग्य समझ कर मेरी इस शंका का निराकरण करें कुलपतियों की गोष्ठी में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे जिज्ञासु वैश्य भाव से विनीत मुद्रा में बैठ गया उसके उत्सुक हृदय से हर हर्ष के हिलोरे उठने लगे और कान कुलपतियों के वचना का पान करने के लिए तैयार हो गए पर गण अभी तक मौन भाव से एक दूसरे के उत्तर देने का मौका ढूंढ रहे थे परिणाम यह हुआ कि बड़ी देर तक सबके सब, सब चुप बने रहे अंत में उमर में सबसे ज्येष्ठ उपमनु के पुत्र आचार्य प्राचार्य प्राचीन शाल ने कहा भद्र ब्रह्म और आत्मा संसार के जर्रे जरे में छिपा हुआ है उसको अच्छी तरह से समझने की जरूरत है अच्छा होगा कि आप किसी दूसरे दिन फुर्सत से आवे अभी हम लोग एक दूसरे विषय पर विषय पर विचार कर रहे हैं जिस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है उससे अवकाश पाकर आपको खुद बुलाएंगे इस समय अक्षमा कीजिए जिज्जासु वैसे उठकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला महात्मन मेरी अवशिष्टता को अक्षमा कीजिए मैं जा रहा हूँ और जब आप फुर्सत पाए मुझे बुला लें मेरा घर यहाँ से बहुत दूर नहीं है आ गया पाते ही फिर सेवा में उपस्थित होऊँगा कुलपतियों की बला टली यूँ किसी विद्यार्थी या पंडित को ब्रह्म आत्मा के विषय में समझाने के लिए इन्हें कुछ भी सोचना नहीं पड़ता था वेदों और शास्त्रों के वचनों की व्याख्या करके उसे संतुष्ट कर सकते थे मगर आज एक ऐसे व्यक्ति से काम पड़ा था जिसके लिए शास्त्रों की व्याख्या ही कारगर नहीं हो सकती थी उसे खूब समझा बुझा कर संतुष्ट करना था उसकी हर एक दलीलों का उचित समाधान करना था वैश्य के चले जाने पर कुलपतियों को में ब्रह्म और आत्मा के विषय में विचार शुरू हो गया और अपनी अपनी सूझबूझ और समण शक्ति से सब विचार करने में प्रवृत्त हो गई किंतु दिन भर बीत जाने के बाद भी सब उलझे पड़े रहे नई नई शंकाएँ उठ गई और शास्त्रों के सैद्धांतिक वचनों में मनी मन भ्रम फैलता गया दूसरे दिन भोजनादि से निवृत्त होकर वे फिर उसी आत्मा और ब्रह्म के विचार में लीन हो गए पर उस दिन भी नई नई शंकाओं और नए नए भ्रमों का तांता लगा रहा किसी निश्चित मत पर पहुंच नहीं सके अनगिनत शिष्यों को संतुष्ट कर देने वाली उन सभी कुलपतियों की बुद्धि इस विषय पर मूढ़ हो गई वे मन ही मन बहुत लज्जित भी हुए आखिरकार सबने मिलकर यह तय किया कि किसी दूसरे ऐसे विद्वान के पास चलकर इसका उचित समाधान कराया जाए जो ब्रह्मवेता हो वे खुद देश के बहुत बड़े विद्वान थे इसलिए उनकी शंका का समाधान करना कोई मामूली बात नहीं थी जाते भी तो किसके पास जाते खुद उन्हीं के लिए यह लज्जा की बात थी कि सारे जीवन ब्रह्म और आत्मा के विचार में सिर खपाने वाले आचार्यों को भी अपने ज्ञान पर संतोष नहीं है इस तरह बहुत सोच विचार के बाद यह तय हुआ कि इसमें हमारे देश में मुनि और अरुण के पुत्र उद्दालक का नाम ब्रह्म ज्ञानी पंडितों में सबसे अधिक चढ़ा बढ़ा है उन्हीं के पास हम लोग चलकर पहले अपनी शंकाएं समाहित कर लें

लोग किसी शास्त्रीय विषय पर मुझसे समाधान करने के लिए आ रहे हैं ये सब के सब खुद वेद शास्त्र के इतने बड़े पंडित होकर जो मेरे पास आ रहे हैं तो वह शंका भी कोई मामूली नहीं होगी क्योंकि अपने अपने आश्रमों को छोड़कर इनका इतनी दूर का आना किसी छोटे विषय के कारण नहीं हो सकता इनके प्रश्न का उत्तर देना सरल काम नहीं है अभी मुझ में इतनी योग्यता नहीं है कि ऐसे 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 विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ कर सकूं। अच्छा यही होगा कि इन्हें किसी दूसरे आचार्य के पास भेजकर अपना पिंड छुड़ाऊं उस शिष्यों के बीच बैठे बैठे ये विचार कर ही रहे थे कि वे सब एकदम समीप आ गए शिष्यों समेत उठकर उद्दालक ने उन पांचों महान कुलपतियों का अभ्यागत सत्कार किया कुशल मंगल पूछ लेने और अपने शिष्यों के चले जाने के उपरांत उद्दालक ने अपने अतिथियों से आने का प्रयोजन पूछा उनमें से वही वो वृद्ध प्राचीन शाल ने संक्षेप में अपनी बातें बता दी उद्दालक की बात सच निकली वह थोड़ी देर तक बिल्कुल चुप रहे फिर हुए सवर में बोले भगवान आप सबके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर शिष्य समेत में धन्य हो गया अतिथि सत्कार के आचारों के अनुकूल मुझे इस सब तरह से आपको संतुष्ट और प्रसन्न करना चाहिए पर मैं देख रहा हूँ कि मेरे दुर्भाग्य से आप सबको संतुष्ट करने वाली चीज मेरे पास नहीं है आप सब हमारे देश के कुलपति में से एक से बढ़कर एक हैं ब्रह्म और आत्मा के विषय में आपकी शंकाओं का निराकरण करना मेरे बूते की बात नहीं है मैं भी उतना ही बता सकूंगा जितना आप सब जानते हैं मेरी जानकारी में इसमें के, के देश के राजा अशोपति ही आपकी शंकाओं का समुचित समाधान कर सकते हैं वे आत्मरूप वैष्णव के सुप्रसिद्ध जानकार हैं इस विषय में उन्होंने बहुत अधिक ध्यान और परिशीलन किया है यदि हम सब लोग उनके पास चलें तो मुझे आशा है कि वे हमारी सारी शंकाओं का निराकरण कर ब्रह्म और आत्मा के संबंध में समुचित ज्ञान देंगे उद्दालक की छल रही बातों को सुनकर वे सब कुलपति एक दूसरे का मुंह देखने लगे जीवन में ब्रह्म की महत्ता पर इतनी गहराई से सोचने का अवसर नहीं लगा था निरुपाय होकर वे सब दूसरे ही दिन प्रातः काल के कई देश के राजा अशोपति के पास चलने को राजी हो गए के के देश आजकल के के नाम से विख्यात उसमें भारत की सीमा वहाँ तक मानी जाती थी महाराज दशरथ की रानी के कई उसी के कई देश के राजा की पुत्री थी दूसरे दिन वे पांचों कुलपति उद्दालक के साथ सुदूर के कई देश की ओर पैदल ही रवाना हो गए उस समय ने रेल थी न हवाई जहाज मुनियों को जो गृहस्थी में रहते हुए भी संसार के विषय भोगों से दूर रहते थे हाथी घोड़ा की सवारी से कति कोई संबंध नहीं था उनके विद्या प्रेम का इससे बढ़कर दूसरा अवदरस क्या हो सकता है कि वे इतने बड़े विद्वान और मनीषी होकर भी पैदल ही के कह देश की ओर चल पड़े रास्ते के दुर्गम पहाड़ी नदियों और जंगलों को बहुत दिनों में पार कर हुए कह कह देश की राजधानी में पहुंच गए राजा अशोपति को उनके आने का जब समाचार विदित हुआ तो वे बहुत प्रसन्न हुआ अपने प्रोहित और गुरु को साथ लेकर उसने उन सभी की अगवानी की और अतिथिशाला में लिभाव जाकर उनके स्वागत समाधर का विधिवत प्रबंध किया भोजन आदि की व्यवस्था हो जाने के बाद वह उनसे पूर्ण विश्राम करने की प्रार्थना कर दूसरे दिन काल मिलने का वचन देकर रनिवास में चला गया राजपुरोहित तो और राजगुरु भी दूसरे दिन प्रातः काल मिलने की बात करके अपने अपने निवास की ओर चले गए रास्ते की परेशानियों से थके हुए आचार्य ने वह रात बड़े आराम से बिता दी दि। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म के अनुसार उनकी नींद टूटी और स्नान ध्यानादि से निवृत्त होकर राजा के आगमन की पर में लग गई राजा ने रात में अपने मन में सोचा था कि इन मुनियों का आगमन हमारे यहाँ निश्चय कुछ आर्थिक कठिनाइयों कुछ के कारण हुआ होगा इसलिए उसने प्रातःकाल काल प्रधानमंत्री और कोषाध्यक्ष को बुलाकर एक एक कुलपति को देने के लिए एक एक सहस्र मुद्रा सुवर्ण मुद्रा सौ सौ गाय और अन्य बहुत सामग्री के साथ अतिथिशाला में चलने का आदेश दिया इन सब सामानों को साथ लेकर वह अतिथिशाला प्रतीक्षा में हो रहे थे। दंड के अनंतर राजा अश्वपति ने उन छह आचार्यों से अपनी चुथ तुच्छ भेंट स्वीकार करने की विनत प्रार्थना करते हुए कहा पूज्य ब्राह्मण मेरी दृष्टा को अक्षमा कीजिए जो आप सबको इतनी दूर अनपड़ा मैंने इधर आपके आश्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त की कि वे किस प्रकार चल रहे हैं आज आप सबको आवेदन करिए मुझे प्रसन्नता हो रही है पर मन में मैं बहुत लज्जित भी या मेरी भेंट स्वीकार कीजिए <coughs> जिन अनुवस्तुओं की आवश्यकता हो उनके लिए निसंकोच आदेश कीजिए मेरा सर्वस्व आपका है थोड़ी देर तक कुलपति हम एक दूसरे की ओर तक रहे फिर सबके मुख संकेत से उद्दालक ने मुस्कुराते हुए कहा राजन हमें आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है आपकी कृपा से हम सबों के आश्रम निर्बाध रूप से चल रहे हैं इतनी वस्तु में ले जाकर हमें बेकार के झंझट नहीं बढ़ाने हैं कृपया हमारी दृष्टता को समझिए उद्दालक की बातों से राजा अश्वती के हृदय को बड़ा धक्का लगा उसने मन में सोचा कि ये सर्वश्रेष्ठ कुलपति गणित ब्रह्म के पूर्ण जानकारी मुझे ये अपराधी और अधर्मी समझ रहे हैं जो मेरा दिया हुआ धर्म स्वीकार नहीं कर रहे हैं इस तरह थोड़ी देर तक अन्य कुलपतियों के उत्तर की प्रतीक्षा भी वे करता रहा पर वे सब के सब चुप बैठे हुए थे आखिरकार उसने अपने दिल की बात को प्रकट करते हुए कहा मुनियो मेरे राज भर में कोई चोर नहीं है न कोई सूम है न कोई शराबी है ऐसा कोई द्वीज मेरे राज्य में नहीं रहने पाता जो अग्निहोत्र अग्निहोत्रण करता हो या वेदों का जान करने न कोई व्यवचारी पुरुष है न कोई व्यविचारणी स्त्री है इस तरह मेरा धन सब तरह से शुद्ध है फिर तब ऐसा कौन सा कारण है जो मेरे दिव्य धन को आप लोग नहीं लेना चाहते राजा की विनीत बातों को सुनकर चाहूँ दस पंडितों ने एक स्वर से कहा राजन हम लोग इतने धन की कामना से आपके पास इतनी दूर नहीं आए हैं राजा अशुपति को मुनियों के इस वाक्य से ये संदेह हुआ कि मेरा देहा हुआ धन बहुत कम है ये इतने से अधिक धन या सम्मान प्राप्ति की आशा करके यहाँ आए हुए हैं उसने कहा आदरणीय आचार्यो मैं शीघ्र ही एक बहुत बड़ा यज्ञ करने वाला हूँ इस यज्ञ में आप सब लोगों को ही प्रधान याजक यजकर्ता नियुक्त करूंगा और उस पद के अनुरूप विपुल दक्षिणा भी दूंगा इसलिए आप लोग कृपा करके कुछ दिनों तो यहाँ रुकिए मैं बहुत शीघ्र ही उसका समारंभ करूंगा मुनियन ने उत्तर दिया राजन हम लोग धन की इच्छा करके इतनी दूर नहीं आए हैं अत आप यह धन तथा वह धन सब अपने दूसरे अतिथियों या पंडितों को देने की कृपा कर करें हमें तो आप उस आत्म रूप वैष्णव और का ज्ञान बताएं जिसका अध्ययन आपने बहुत गहराई के साथ किया है राजा चुप हो गया मुनियों की उत्कट ज्ञान पिपाशा को जानकर उसे परम प्रसन्नता हुई उसने कहा मुनिवर वृंद आप सबको आत्म रूप वैश्नावर का ज्ञान बतलाने की शक्ति मुझ में नहीं है राजकाज और ब्रह्म चिंतन में बड़ा अंतर होता है फिर भी अपनी बुद्धि के अनुकूल अपनी परीक्षा दूंगा मैं चाहता हूं कि आप सब बहुत दूर से अनेक कठिनाइयों को झेल कर यहाँ आए हुए हैं खूब विश्राम कर लें तो कल प्रातःकाल इस विषय विशे पर विशेष चर्चा की जाएगी कुलपतिगण सहमत हो गए राजा अशोपति मंत्री और कोषाध्यक्ष के साथ उन वस्तुओं को लेकर अतिथिशाला से बाहर चले आया दूसरे दिन कुलपति लोग हाथों में समिधा लेकर शिष्य भाव से खुद राजा अशोपति के पास पहुँचे क्योंकि उन्हें आज उसी से शिक्षा ग्रहण करनी थी उनके समी, उनको समीपाती देखकर राजा ने सबको बैठने का उचित स्थान दिया और सबसे पहले उपमन्यु उपमन्यु के पुत्र निशाल से पूछा सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप किस आत्मा की, की उपासना करते हैं प्रा, प्राचीन साल ने उत्तर दिया राजन मैं तो सर्वदा स्वरूप की उपासना में लीन रहता हूँ अशोकपति ने कहा उपम जिस सौर गुरु आत्मा की उपासना में आप सदा लीन रहते हैं वह विश्व आत्मा का ही तेजो में रूप है वैष्णव और का है समस्त चराचर जगत में व्यापक ब्रह्म यही कारण है कि आपके घर में सोमरस का समुचित प्रयोग होता है और आप अन्न को खाकर भली भांति पचाने में समर्थ होते हैं प्रिय वस्तुओं का दर्शन भी उसी तेज से करते हैं आपकी तरह जो व्यक्ति विश्व आत्मा रूप वैष्णव की उपासना इस प्रकार सौर्य के रूप में करता है वह रुचि के साथ अन्न भक्षण करता है और उसे भली भांति पहुँचाने में समर्थ भी होता है वही प्रिय वस्तुओं का दर्शन करता है और उसी का वंश वैदिक महिमा से सर्वदा उज्जवल रहता है स्वर्ग ही आत्मा का सिर स्थान अर्थात सिर है पर यदि आप उसके ज्ञान की प्राप्ति के लिए इस प्रकार विनीत शिष्य के वेश में मेरे पास नहीं आए होते तो निश्चय ही अभिमान एवं अज्ञान के कारण आपका सिर धड़ से अलग हो गया होता क्योंकि वह स्वरूप तो विषात्मा का एक अंश मात्र है न कि संपूर्ण अंग राधा असपत राधा अशपति की उक्त मर्म भरी वाणी सुनकर प्राचीन शाल का रहा साहा घर भी गल गया उनकी आंखों से अहम मन्यता का नशा उतर गया भीतर मन में एक ज्योति पुंज सा भाष भाषमान हो भाषमान होने लगा वह सिर झुकाकर खड़े रह गए राजा ने उसके बाद के पुत्र से इशारा, इशारा करते हुए पूछा मुनिवर आप तो वेद जो में प्रधान माने जाते हैं मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस आत्मा की उपासना में रात दिन लगे रहते हैं यज्ञ ने कहा विनीत सवर में उत्तर दिया राजन मैं तो तीनों बेला में भगवान भास्कर की आराधना किया करता हूँ राजा अशोपति ने कहा मणि और आप जिस भास्कर रूप आत्मा की उपासना में तीनों बिल अलग रहते हैं वह वै वैष्णव रूप आत्मा का ही स्वरूप है यही कारण है कि आपके कुल में अनेक रूप दिखाई पड़ते हैं रथों को खींचने वाले घोड़े या खच्चर आपकी आज्ञा का पालन करते हैं आपकी दासियां भी मूल्यवान मुक्ताओं का हार पहनती हैं आप सुरुचिपूर्ण अन्न को खाकर भली बाति पचाने में समर्थ हैं और सदा प्रिय वस्तुओं का दर्शन करते हैं आपकी तरह जो व्यक्ति इस रूप में वैष्णव रूप आत्मा की उपासना करता है वह भी अन्न खाकर पचाने में समर्थ होता है और प्रिय वस्तुओं का दर्शन करता है उसके वंश में वैदिकों की महिमा सदा छाई रहती है और वही भास्कर वैष्णव और आत्मा की आंख है पर यदि आप मेरे पास ज्ञान प्राप्ति के लिए न्याय आए होते थे अज्ञानता और अभिमान के कारण निश्चय ही आपकी दोनों आंखें फूट जाती क्योंकि भास्कर सूर्य उस वैष्णव आत्मा का केवल एक अंश है पूर्ण अंश नहीं उन्हें पूर्ण समझने का दंड तो आपको भुगतना ही पड़ता पर अच्छा हुआ कि आप समय रहते सचेत हो गए सत्य की जिज्ञासा शांत होगी वह चुपचाप निर्निमेश नेत्रों से राजा अशुपति के तेजो में मुखमंडल की ओर देखने लगे तदंतर तो राजा ने भल्लव के पुत्र आचार्य दुमन की ओर संकेत करते हुए कहा भल्लव वे आप तो पूज्य आचार्य व्याघ्रपाद के वंशज हैं जिनका पवित्र नाम आज भी वेद ज्ञानियों में श्रद्धा के साथ लिया जाता है आप स्वयं सहस्रों विद्यार्थियों के आचार्य और वेदों की महिमा के पूर्ण जानकार हैं मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूँ कि आप किस आत्मा की उपासना करते हैं इंद्र धूम ने निसंकोच उत्तर दिया राजन मैं तो सदा गतिशील रहने वाले वायु देव की उपासना करता हूँ क्योंकि मेरी दृष्टि में वही सबसे महान महिमा में है अर्षपति ने कहा भालवे आप जिस वायु रूप आत्मा की उपासना करते हैं वह विश्व आत्मा व्यस्नावर के विभिन्न पथों में बहने वाला इसलिए आपकी आज्ञा के अनुसार अनेक राजाओं की सेना विविध क्षेत्र में गमन करती हैं और अनेक तरह के रथों की पंक्ति आपके पीछे पीछे चलती है। आप रुचि के साथ सुस्वाद भोजन करके उसे पचाते हैं और प्रिय वस्तुओं का दर्शन करते हैं आप की तरह जो व्यक्ति में आत्मा की उपासना करता है वह भी रुचि के साथ भोजन करके पचाता है और प्रिय वस्तुओं का दर्शन करता है यही नहीं उसके विपुल वंश में वैदिकों की अपार महिमा सदा छाई रहती है वायु उस विश्व आत्मा का प्राण स्वरूप है यदि आप ब्रह्म के के पूर्ण ज्ञान लिए सचमुच तो बड़ा अभिमान था राजा की उक्त बातों से आज उन्हें पहली बार अपनी अल्पजता का बोध हुआ राजा से अवनतमुख होकर वह अपने पैर से जमीन खरीदने लगे तदंतर राजा ने उनकी बगल में बैठे हुए शर्कराक्ष के पुत्र जन को संकेत करते हुए पूछा शर्कराक्ष से मैं जानना चाहूंगा कि आपकी आत्मा की, की उपासना करते हैं विनीत चवर में जन बोले राजन मैं तो सर्वशक्तिमान आकाश की उपासना करता हूँ राजा अश्वपति ने कहा भद्र आप जिस आत्मा की उपासना करते हैं वह विश्व आत्मा का व्यापक रूप है उसी में उसके अनेक रूपों का समावेश हुआ है यही कारण है कि आप संपत्ति और संपत्ति से भली तरह भरे पूरे ही यही कारण है कि आप रुचि के साथ सुस्वादु भोजन करते हैं और उसे भली भांति पचा लेते हैं जो भी व्यक्ति आप तरह इस आकाश रूप में वैष्णव और आत्मा की उपासना करता है वह रुचि के साथ सुस्वादु भोजन करता है और उसे भली भांति पचा लेता है उसके विशाल कुल में सदा वैदिक महिमा छाई रहती है और वह सर्वदा प्रिय वस्तुओं और प्रियजनों का दर्शन करता है यही आकाश उस वैष्णव और आत्मा का धड़ यदि आप मेरे पास पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए न आए होते तो अज्ञानता और अभिमान के कारण आपका भी धड़ सूख जाता क्योंकि आप केवल वैष्णव और आत्मा के एक ही अंग की उपासना कर रहे थे और उसे पूर्ण समझने का स्वांग भर रहे थे आचार्य जन बाहर से कुछ लज्जित से पर भीतर भीतर बहुत प्रसन्न भी उन्होंने हाथ जोड़कर राजा अशोपति से कहा राजन आप बिल्कुल सच कह रहे हैं मेरा अभिमान सचमुच बहुत बढ़ गया था आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की तदंतर तो राजा अशोपति ने अश्वत के पुत्र आचार्य बुडिल की ओर हाथ उठाकर कहा भद्र आप आत्मा के किस स्वरूप की उपासना करते हैं बुडिल ने विमन भाव भाव से कहा राजन मैं तो जल की उपासना करता हूँ क्योंकि मेरी दृष्टि में उसे बढ़कर शक्तिमान कोई दूसरी आत्मा नहीं है राजा ने कहा महाशय आप सच बात कर रहे हैं आप जिस आत्मा की उपासना करते हैं वह और आत्मा का वैभव है यही कारण है कि आप श्री संपन्न और पुष्टिमान हैं आपके रुचि पूर्वक भोजन करने और उसे भली भांति पचाने का भी यही कारण है आप भी इसीलिए सदा प्रियजनों एवं प्रिय वस्तुओं का दर्शन करते हैं आपकी तरह जो व्यक्ति इस जल रूप में विश्व आत्मा की उपासना करता है वह सुस्वादु भोजन की अक्षर अच्छी तरह पचाता है और सदा प्रियजनों एवं प्रिय वस्तुओं का दर्शन करता है उसके कुल में आप ही की तरह चिरकाल तक वैदिकों की महिमा छायी रहती किंतु यह सब होते हुए भी वह जल उस विश्ववात्मा का निम्न भाग है यदि आप अभिमान अज्ञान में उस अल्प ज्ञान के भरोसे पड़े रहते और मेरे पास नहीं आते तो आपके शरीर का निम्न भाग नष्ट हो जाता बेचारे बुडिल सहन कर अरुण के पुत्र उद्दालक की ओर देखने लगे राजन उद्दालक की ओर लक्ष्य करके भद्र आप तो में सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि भला आपकी आत्मा की, की उपासना में लगे रहते हैं उद्दालक ने निसंकोच भाव से कहा राजन मैं तो पृथ्वी की उपासना करता हूँ क्योंकि इसी पर समस्त चराचर जगत टिका हुआ है राजा अशोपति ने उद्दालक को भी आड़े हाथों लिया उसने कहा आरुणी आप जिस आत्मा की उपासना करते हैं वह वैश्णावर का चरण प्रांत या प्रतिष्ठा है यही कारण है कि आप भी विपुल संतति और असंख्य पशुओं द्वारा प्रतिष्ठित हैं यही कारण है कि आप रुचि के साथ भोजन करके उसे बलिपाती पचाने की भी शक्ति रखते हैं और प्रिय वस्तुओं का दर्शन करते हैं जो व्यक्ति विश्व आत्मा की उपासना आपकी तरफ पृथ्वी रूप में करता है वह भी रुचि के साथ भोजन करके उसे पचाता है और सर्वदा प्रिय वस्तुओं का दर्शन करता है उसके विपुल वंश में चीरकाल तक ब्रह्म ज्ञान की महिमा छाई रहती है किंतु जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि यह पृथ्वी उस विश्व आत्मा का चरण प्रांत है यदि आप उसे ही संपूर्ण विश्व आत्मा समझकर मेरे पास ज्ञान के लिए न आए होते तो आपके चरणों की चलने की शक्ति सर्वथा नष्ट हो गई होती उद्यालक भी चुप होकर इधर उधर बगलने झाँकने लगे तदंतर राजा अश्वत्थ पति ने उन छह आचार्यों को संबोधित करते हुए कहा कि महानुभाव आप लोग वैष्णव और आत्मा को इस तरह अनेक रूपों में समझकर अन्न ग्रहण करते हैं पर जो व्यक्ति उसके उस विश्व रूप की उपासना करता है जो पृथ्वी से आकाश तक के समस्त प्रदेशों में छाया हुआ है और जो अहम का मूल बीज रूप है वह समस्त स्वरूपों में और समस्त लोकों में और समस्त आत्माओं में अन्य ग्रहण करता है आप में और उसमें यही भेद है कुलपतियों में से वे विरुद्ध प्राचीन शादन ने विनित स्वर से फिर पूछा राजन उस विश्व आत्मा के विराट स्वरूप को हम यथार्थ रूप में किस प्रकार जान सकते हैं <coughs> राजा अश्वपति ने कहा उपमन्य ध्यान देकर सुनिए उस अखिल जगत व्यापी जगत आत्मा वशनाव का शीर्ष स्वरूप लोक है नेत्र सूर्य है प्राण वायु है धड़ आकाश है निम्न भाग जल है और चरण प्रांत पृथ्वी है यज्ञों की वेदी उसकी है, उसकी छाती है, गार है, पत्ते, अग्नि उसका हृदय है भोजन पचाने वाली जठराग्नि उसका मन है और आह्वनीय अग्नि उसका मुख है उस आह्वनीय अग्नि में जो कुछ भी पदार्थ पहले डाला जाता है वही पदार्थ आवती उसे प्राण तृप्त होता है दूसरे आचार्य राजन प्राण के तृप्त होने से क्या होगा ने कहा भद्र प्राण की तृप्ति से ही नेत्रों की तृप्ति होती है और नेत्रों की तृप्ति से ही आदित्य भास्कर तृप्त होते हैं उनकी तृप्ति से सर्वलोग तृप्त होता है और सर्व लोग की तृप्ति से उन सब की तृप्ति होती है जो सूर्य और स्वर्ग के भरोसे बैठे हुए उन सब की तृप्ति से यजकर्ता की तृप्ति होती है और वह संति पशु संपत्ति अन तेज और वास्तविक ब्रह्म ज्ञान की महिमा से पूर्ण होता है इसी प्रकार फिर उसी आहवनीय अग्नि में वायु के लिए दूसरी आहुति डालनी चाहिए जिससे कर्णेन्द्रिय की तृप्ति होती है कर्णेन्द्रिय की तृप्ति की बात की समझियो ठीक से नहीं आई वह बोले राजन कर्णेन्द्रिय की तृप्ति का क्या फल होता है अशोपति ने कहा भालवे उन कर्णेन्द्रियो की तृप्ति से चंद्रमा तृप्त होता है चंद्रमा के तृप्त होने से दसों दिशाएं तृप्त होती हैं और दसों दिशाओं की तृप्ति से उन सब की तृप्ति होती है जो चंद्रमा और दिशाओं के भरोसे पर रहते हैं उन सब की तृप्ति से ही की वास्तविक तृप्ति होती है और तब वह पशु संपत्ति संतति अन्न तेज और ब्रह्म की महिमा से भी मंडित होता है हे भद्रो इसी प्रकार इस आह्वन अग्नि में अपान वायु की तृप्ति के लिए तीसरी आहुति भक्ति समित जानी चाहिए जिससे वाणी की तृप्ति होती है वाणी की तृप्ति वाली बात शर्क रक्ष के आचार्य जन के मन में नहीं बैठी वह विनित बोले राजन वाणी की तृप्ति से भलाई करता को क्या फल मिलेगा अशोपति ने कहा शारक राक्ष वाणी की तृप्ति से ही अग्नि की तृप्ति होती है अग्नि की तृप्ति से ही पृथ्वी तृप्त होती है और पृथ्वी की तृप्ति से उन की तृप्ति होती है जो पृथ्वी और अग्नि के भरोसे जीवन धारण करते हैं उन्हीं सबकी तृप्ति होने से यज्ञ करने वाले की वास्तविक तृप्ति होती है और तभी वह संतति पशु संपत्ति अन्न और तेज से पूर्ण काम होकर ब्रह्म महिमा से समन्वित तो होता है हे समय इसी प्रकार आहवनी अग्नि में चतुर्थ आहुति समान वायु के उद्देश्य से डालनी चाहिए जिसे मन तृप्त होता है आचार्य बुडिल ने कहा राजन मन की तृप्ति से क्या होगा और राजा अशोपति ने कहा भद्र मन की तृप्ति से मेघ की तृप्ति होती है और मेघ की तृप्ति से बिजली की तृप्ति होती है बिजली की तृप्ति से उन सब प्राणियों की तृप्ति होती है जो मेघ और बिजली पर जीवन निर्भर करते हैं उन्हीं की तृप्ति से यज्ञकर्ता की वास्तविक तृप्ति होती है और उसे तभी संतति पशु संपत्ति अंतेज और अपार ब्राह्मिक

और उन्ही की तृप्ति होने पर यजकर्ता का वास्तविक तृप्ति होती है और उसे विपुल संतति संपत्ति पशु समृद्धि ब्रह्म बल की सच्ची प्राप्ति होती है आचार्यों जो व्यक्ति इन बातों को जाने बिना यज योगा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है जो दहकते अंगारों को छोड़कर राख की ढेर पर आहुति डालता है इसके विपरीत जो व्यक्ति इन सब बातों को भली बात समझ बूझ कर यज करता है उसका यज सब लोगों में सब रूपों में और आत्मा के सब विधियों से सम... समन्वित होता है उसी को यज का पूरा फल प्राप्त होता है जिस प्रकार प्रकार में का का सूखा डालने पर तुरंत हो जाता है उसी इन सब बातों तत्व तो समझ कर यज करने वाले व्यक्ति के सब कायिक वाचिक और मानसिक पाप जलकर अपने आप भसम हो जाते हैं हे ऋषियों जिस प्रकार भूखे बच्चे अपनी माताओं को प्राप्त कर सुखी होते हैं उसी प्रकार इस जगत में विविध यातनाओं से गिरा हुआ मानव अग्निहोत्र की शरण में जाकर सुखी होता है और उसी के द्वारा उक्त प्रकार के ब्रह्म का और आत्मा का साक्षात्कार होता है वह ब्रह्म कहीं अलग नहीं है यह समस्त जगत ब्रह्म है सर्वे ब्रह्म पांचों कुलपतियों की ग्रंथियां छूट गई शंकाएं विलीन हो गई और कृतज्ञता के अतिरिक्त उनके हृदय आई दूसरे दिन प्रातः काल राजा अशोपति ने उन्हें अपना राजधानी से बहुत सम्मान के साथ विदा किया और पहले दिन दी जाने वाली दक्षिणा को अंगीकार करने के लिए किया सब, सब बड़े प्रसन्न मन से ब्रह्म ज्ञान की ग्रंथि को सुलझाकर अपने अपने आश्रम को लौटे लौटते समय उन सब के मन में प्रसन्नता और संतोष की लहर दौड़ रही थी आंखों में हरियाली थी और मन में, में कई गुना उत्साह था तो यहाँ पर कथा समाप्त होती है ओम शांति 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 ही नमस्कार नमस्कार नमस्कार